सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, आपको याद होगा कि वहां पर सिख समुदाय के दर्जन भर से ज्यादा लोग, उसमें महिलाएं भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे, वो एक ट्रक लेकर के पहुंचे थे और वहां पर खाना प्रोवाइड कराया जा रहा था। जब हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और उसमें आपको एमएस बिदना का नाम भी याद होगा, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने अपना फ्लैट बेच करके वहां पर पैसा लगाया और लगातार लंगर चलाया गया। अब वक्त आ गया है कि इसका बदला मुसलमान सिख भाइयों के साथ इसी तरह का सलूक करके लंगर का बदला खाने के जरिए देने का, और उस पर अमल किया गया है बकायदा मुस्लिम समुदाय के जरिए, कुछ तंजीमों के जरिए। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम आपने अक्सर सुना होगा, जब इस तरह का मामला सामने आता है, कहीं पर लिंचिंग होती है या कहीं पर कोई और अनहोनी होती है मुसलमानों के साथ या कहीं फसादात होते हैं, तो इस तंजीम का नाम आपने देखा होगा, खासतौर से प्रोटेस्ट करने में या उसमें फैक्ट फाइंडिंग में, अगर कहीं फसाद होता है, कहीं कोई केस होता है, तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग में उसको किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, कानूनी मदद पहुंचाई जाए, इसमें आपके यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का नाम अक्सर सुना होगा। परसों से ही इस तंजीम ने एक मुहिम चलाई और इस मुहिम में तंजीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25 मसाजिद सिख भाइयों के लिए दिल्ली और उसके आसपास की हरियाणा की खोल दी गई हैं और बाकायदा 4 जगहों पर खाना तैयार कराया जा रहा है दिल्ली के और पहुंचाया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर किसान धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं या दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। ओखला, बुराड़ी, जामा मस्जिद और साउथ दिल्ली के हौस खास इलाके में 4 जगह पर खाने बनाने का इंतजाम किया गया है और उसके बाद तैयार करने के बाद उनको पैकेट में पैक किया जाता है, पैक करने के बाद उनको पहुंचाया जाता है जहां पर धरना चल रहा है, धरना स्थल पर, ताकि किसान भाई जो पंजाब से यहां पर पहुंचे हैं हजारों की संख्या में, उनको खाने की दिक्कत ना हो। और जिस तरह से मौसम काफ़ी सर्द है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, दिन में भी जो है ठंड है, रात की बात तो छोड़ दी, और जिस तरह से परसों दिन भर और रात में जिस तरह से पानी की बौछार किसानों के ऊपर की गई, अन्नदाताओं के ऊपर की गई, और सर्दी में वो लोग ठिठरते तो रहे, तो ऐसे में एक डिमांड उठी मुस्लिम तंजीमों के जरिए, मुसलमानों के जरिए, कि ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मसाजिद के दरवाज़े अपने इन भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए खोल दें ताकि वो वहाँ पर आराम कर सकें और जो उनकी ज़रूरियात हैं वो जो है वो उससे जो है उनका हल निकल पाए और वो पूरी हो पाए। और उसी के तहत 25 मसाजिद सामने आई हैं जिन्होंने अपने दरवाज़े इस आंदोलन में जो किसान भाई दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके लिए खोल दिए गए हैं। एक बड़ी पहल इसको मानकर चला जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तारीफ की जा रही है, ना सिर्फ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट बल्कि इसके अलावा भी ये देखने में आ रहा है, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे देखने में आ रहे हैं कि मुसलमान अपने गाँव के बाहर इकट्ठा होकर के खाने पीने का सामान उन बसों में, उन ट्रैक्टर्स पर, जिसके ज़रिए किसान पंजाब से दिल्ली पहुंच रहे हैं, रोड पर पहुंच करके, मेन रोड्स पर पहुंच करके पानी और कुछ नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम जिसकी जैसी बिसात है उस हिसाब से वो मदद करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए, जो एक फासला बनाने की कोशिश की गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो कोशिश की गई है, अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह के लोग सामने आते हैं जिसमें मसाजिद को गैर मुस्लिमों के लिए खोल दिया जाए, उनकी मदद की जाए, और जो एक कॉन्सेप्ट था मसाजिद का जिसको हमने भुला दिया है, सिर्फ ऐसा लगता है जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं अगर वो देखना चाहते हैं कि मस्जिद में किस तरह से नमाज अदा की जाती है, क्या क्या इंतज़ाम होते हैं, कैसे उसकी बनावट होती है, तो शायद वो अपनी पूरी पूरी उम्र हो जाती है और नहीं देख पाते हैं, कुछ एक उनके अंदर डर होता है। हालांकि अब ये देखने में आ रहा है कि साउथ से ये शुरुआत की गई है कि मसाजिद को गैर मुस्लिमों के लिए खोल दिया गया है और अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से उसकी उसका असर देखने में मिल रहा है और लोग ये बात उठा रहे हैं बार बार कि मसाजिद के दरवाजे गैर मुस्लिमों के लिए खोल दिए जाएँ और जहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर बाकायदा उनको बुलाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके साथ नाश्ता किया जाए, चाय पी जाए, ताकि जो एक दूरियां हैं
जो एक दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है उनको बांटा जा सके और आपस में मिलजुल करके एक बेहतर हिंदुस्तान हम बना सकें, जिस हिंदुस्तान का सपना हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था और जिस तरह से वो लोग सैकड़ों साल से हिंदुस्तान में आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से पॉलिटिकल जो सिनेरियो हो गया है, पॉलिटिकल जो माहौल हो गया है, उसमें एक दूसरे के खून के प्यासे जिस तरह से देखने को आ रहा है। और हालांकि बहुत कम तादाद है, अभी भी 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं, देश को तरक्की होता देखना चाहते हैं, देश को डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं और उसमें एक अपना हिस्सा चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर से बीजेपी आरएसएस के जो विंग हैं, वो इस तरह की चीज़ें करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके सियासी माइलेज लेकर के सरकारें बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। लेकिन इस पहल को न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि तमाम ही जगह माउथ टू माउथ भी इस पहल को मुसलमानों की काफ़ी सराहा जा रहा है और ऐसी तंजीमों की मदद करने की ज़रूरत है जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कॉज है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली और सबको खाना पहुंचाना, सबको ब्लैंकेट देना, सबके लिए इंतज़ाम करना, पीने का पानी पीने का इंतज़ाम करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जिसमें लोगों को इस तरह की तंजीमों के लिए खुलकर सामने आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और अभी 25 मस्जिद को खोला गया है, अपील की जाती है कि आप भी आगे आइए, अपने इलाके की जो मस्जिद है, अगर हाईवे पर आपकी मस्जिद है, अगर ऐसे इलाके में मस्जिद है जहां से किसान भाइयों का गुजर हो रहा है, जो एक अपने आप को बचाने की जद्दोजहद लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दिया जाए। और चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो घर हों, चाहे वो छोटे छोटे मकान हों, या किसी का मकान खाली पड़ा हुआ है तो उसमें इंतज़ाम किया जाए। ये ऐसा वक्त है कि सबका साथ दे करके एक बेहतरीन मैसेज दिया जाए, इस्लाम का जो असल मैसेज है, असल इस्लाम का जो असल मीनिंग है, तमाम लोगों का ख्याल रखना, अपने भाई को भाई का ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, जिस तरह से हुकूक बताए गए हैं, किस किस के क्या हुकूक हैं, पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो उसका हक रिश्तेदार से ज़्यादा बताया गया है, और इसको हम करके दिखाएं अपने अमल से, ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, चाहे उसमें हम कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं, हमारे भी अखलाक इस तरह के हो गए हैं, तो इसको दूर करके एक भाईचारे और अख़ुवत का एक माहौल दोबारा से देश में क्रिएट किया जाए, ताकि देश तरक्की करे। शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।